अभिषेक, आपने बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया ईशा और आपका ऑफिशियल बताने के लिए? क्योंकि कई बार आपने उस चीज़ को डिनाई किया, बिग जी बॉस पे आपने तुरंत जी कहा कि हम लोग रिलेशन में थे और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर समर्थ आए, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया आपने? सर, मैंने चूज नहीं किया। जब मैंने साइन किया था मुझे नहीं पता था ईशा आ रही है, बट जाने से पहले पता चल गया था कि ईशा भी आ रही है। मैंने कहा ओ शिट, अब क्या होगा। तो इन्होंने जब इंटरव्यू लिया था तो इंटरव्यू से पहले इनको मेरे बारे में पता था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ही पूछा था कि ब्रेकअप क्यों हुआ, तो मैं डिनाई ही नहीं कर सकता था क्योंकि कलर्स की टीम को पता था कि मैं और ईशा रिलेशनशिप में थे उड़ारिया के टाइम पे। तो अब जब पता ही चल गया था, उस टाइम तक मैंने इंटरव्यूज दे दिए थे या इंटरव्यूज चल रहे थे और मैं बताना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि ईशा मे बी अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, ना बताए, तो मैं क्यों बताऊं, मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा ऐसा। पर अंदर जाके उसने खुद बता दिया और पहले दिन ही वो चीज़ें बाहर आ गई। तो फिर मैं कैसे डिनाई करता, ऑब्वियसली मुझे भी बताना था। बट हमने हमेशा यही सोचा था कि हम पब्लिक नहीं करेंगे इस चीज़ को, और जब ब्रेकअप हो गया तो उस चीज़ को भी क्यों पब्लिक करना। तो बिग बॉस के घर में हो गया, बट ठीक है, अब जो भी हुआ अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ। क्या आपको एज अ पर्सन, क्योंकि मुझे एज अ व्यूअर उनका लगा कि जब समर्थ आए, चिंटू जब आने से पहले फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, बट उनके आने के बाद सिर्फ नोकझोंक हो रही थी, ऐसा कुछ आपको लग रहा था एज अ ईशा और पर्सन? मेरी जी सर, ऑब्वियसली जो हम बॉन्ड शेयर कर रहे थे समझ से पहले, वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप नहीं था, बट हम एक क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे, घूमते थे, गेम में थे। समर्थ आने के बाद ऑब्वियसली वो, मैं उसका एक्स हूँ तो मेरे साथ वो क्यों बात करेगी, समर्थ के साथ बात करेगी। तो वो थोड़ा एक डिस्टेंस हो गया था, बट ऑर्गेनिकली हमारी तीनों की भी एक टाइम पे दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी, और फिर वो एक इंसिडेंट के बाद वो टूट भी गई। बट ठीक है,